हेलो गाइस, दिस इज प्रशांत और आप देख रहे हैं दी टेक पोग। तो आज मैं इस सैमसंग F15 का एक कंप्लीट बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाला हूं। एंड ऑनेस्टली बैटरी लाइफ ऑन दिस वन इज अमेजिंग। बट वेल, सिर्फ ये बताने से नहीं होगा, आई एम गेटिंग अहेड ऑफ माई सेल्फ। वीडियो में काफी एफर्ट लगा है, सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। ये टेस्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ कंडीशंस है वो आपको मैं बता देता हूँ। फोन की ब्राइटनेस को हम 70% पर रखने वाले हैं विद ऑटो ब्राइटनेस ऑफ, जो कि आई थिंक मेजर ऑफ टास्क के लिए इनफ होती है। एंड एज यू कैन सी, फोन सिम कार्ड डेटा पे रहने वाला है, जिसमें मेरी प्राइमरी सिम है जियो सिम। रिफ्रेश रेट हम हाई या स्मूथ पे रखने वाले हैं, ऑब्वियसली बिकॉज इसमें कोई ऑटो मोड दिया हुआ नहीं है। और वॉल्यूम टू बी फेयर 50% रखने वाला हूँ, वैसे आजकल सब TWS यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम चलाने वाले हैं इंस्टाग्राम रील्स। वेल, यूजुअली मैं इस चीज से बिल्कुल दूर रहता हूँ, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है और टाइम यूटिलाइजेशन का भी, अगर आप इसका सही यूज करें तो। यहाँ पे मैंने मिस्टर हुज द बॉस की रील्स चला दी अगेन, एंड मैं बीच बीच में ये स्विच भी करता रहूंगा। एंड रूम टेम्परेचर की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं 26.3 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, एंड सुबह के 9:30 के आसपास बजे हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये टेम्परेचर 30 डिग्री तक भी चला जाता है। एंड यहाँ पे हमें रील्स ऑन करे हुए 1 घंटा हो चुका है। फोन की बैटरी देखें तो 95% हो चुकी है, एंड कंसिडरिंग द 70% ब्राइटनेस एंड 50% वॉल्यूम, इट्स नॉट बैड। अब अगले टास्क की बात करें तो मैं नेटफ्लिक्स चलाने वाला हूँ। वैसे मैं वन पीस पहले देख चुका हूँ, बट ये नेटफ्लिक्स ओपन करते ये सामने आता है, तो टाइम बचाने के लिए मैंने यही चला दिया। और फिर घर वालों ने काम के लिए बाहर भी भेज दिया, तो मुझे लगा यही सही रहेगा, तो इसीलिए मैंने ये 2 घंटे यूज किया। और 2 घंटे के बाद अब अगर हम देखें तो फोन की बैटरी बची है 84%। मतलब 2 घंटे के नेटफ्लिक्स यूज में फोन की बैटरी डिक्लाइन हुई है 11%, प्रीटी सॉलिड। अगले टास्क की बात करें तो हम यूजुअली कैमरा यूज कर लेते हैं, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं 30 मिनट्स तक इस फोन में फ्रंट कैमरा से फुल एचडी 30fps वीडियो स्टार्ट कर देता हूं। एंड अभी तक आप समझ गए होंगे कि फोन की बैटरी लाइफ काफी अच्छी देखने को मिलती है। एंड यहां पे हमें ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुके हैं और फोन की बैटरी देखें तो 80% पर है। मतलब 30 मिनट्स के फुल एचडी 30fps वीडियो शूट में भी सिर्फ 4% का डिक्लाइन देखने को मिला है। नेक्स्ट टास्क की बात करते हैं तो BGMI, जो मुझे बिल्कुल भी खेलना नहीं आता और मुझे प्रीटी मच ये पसंद भी नहीं है, बट मुझे लगा इसके बिना इस फोन की बैटरी ड्रेन करना काफी मुश्किल रहेगा, तो मैंने सोचा चलो यही क्यों नहीं। वैसे मैंने इस फोन की डेडिकेटेड गेमिंग वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आप ये फोन लेते हैं और थोड़ा बहुत गेमिंग करना चाहते हैं तो आपको वो वीडियो एक बार देखनी चाहिए, मैंने उसमें सब चीजें कवर की है। और मैंने वैसे सोचा था कि मैं ये गेम 1 घंटे ही खेलूंगा, लेकिन 1 घंटा खेलने के बाद मुझे लग रहा था कि हाँ, मैं थोड़ा अच्छा खेल रहा हूँ, तो मुझे लगा थोड़ी देर चलो और कंटिन्यू करते हैं। तो टोटल 1 घंटे 28 मिनट के बाद में बैटरी लेवल देखें तो 63%। मतलब ऑलमोस्ट 90 मिनट्स के BGMI गेम प्ले में 17% का डिक्लाइन देखने को मिला। नेक्स्ट टास्क की बात करें तो हम करने वाले हैं ऑपरेटर वॉइस कॉल, जो कि एक फोन का प्राइमरी काम होता है। तो सबसे पहले 30 मिनट्स के लिए हम वॉइस कॉल करने वाले हैं हैंडसेट मोड पर। एंड अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 30 मिनट्स हो चुके हैं और बैटरी परसेंटेज 61% हो चुका है। मतलब हमें 2% का बैटरी डिक्लाइन देखने को मिला है। नाउ सेम कॉल को मैं लाउड स्पीकर पे यूज करने वाला हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू समटाइम्स व्हेन आई डोंट वांट टू होल्ड माय फोन ऑलवेज। एंड सिर्फ कॉल चालू करके नहीं छोड़ा, मैंने अपने अदर फोन को अपने PC के स्पीकर के पास में रख दिया, जहाँ पे मैं GTA 5 खेल रहा था। यहाँ पे अब 32 मिनट्स हो चुके हैं और फोन की बैटरी देखें तो 59%, अगेन 2% का डिक्लाइन देखने को मिला है। नेक्स्ट टास्क की बात करें तो इसी से रिलेटेड हम ऑपरेटर वीडियो कॉल करने वाले हैं, बिकॉज आई थिंक इट गिव्स द बेस्ट वीडियो क्वालिटी। और फिर इसमें सिम कार्ड लगा हुआ भी था, तो मुझे लगा कि यही बेस्ट रहेगा रादर देन फेसबुक, व्हाट्सएप एटसेट्रा। एंड अगेन मैंने यहाँ पे भी ये वीडियो कॉल सिर्फ चला के नहीं छोड़ा, मैंने अदर फोन को अपने PC की स्क्रीन की तरफ फेस कर दिया, ताकि वहां पे थोड़ा मूवमेंट रहे और इस फोन की डिस्प्ले को भी कुछ करने के लिए वर्क मिले। एंड अगेन मैं GTA 5 खेल रहा था। आई नो काफी पुराना गेम है, बट इफ यू यूज मोड्स लाइक नेचुरल विजन इवॉल्व या फिर क्वांट वी, आप काइंड ऑफ इसको प्रीटी मच मॉडर्न ग्राफिक्स पे खेल सकते हैं, बट यू नो उसके लिए थोड़ा सा आपका GPU भी पावरफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें वीडियो कॉल करते हुए 1 घंटा हो चुका है एंड फोन की बैटरी आ चुकी है 49%, पूरे 10% का हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड यू नो 5G कंज्यूम्स मोर बैटरी देन 4G। नेक्स्ट टास्क की बात करें तो हम खेलने वाले क्रिकेट लीग। बेसिकली ये गेम मेरे सामने आया था जब मैं मोटो G34 टेस्ट कर रहा था, एंड एज ए कैजुअल गेम इट्स प्रेटी गुड एंड काफी इंटरटेनिंग भी है और समटाइम्स चैलेंजिंग भी। एंड यहाँ पे हमें गेम खेलते हुए 1 घंटा हो चुका है और फोन की बैटरी आ चुकी है 40%, मतलब 1 घंटे के गेम प्ले में 9% का डिक्लाइन। नेक्स्ट टास्क की बात करें तो अगेन मैंने गेम खेलने की सोची, Asphalt 9। एंड आई थिंक ये कैजुअल गेम भी नहीं है, लेकिन एक मीडियम इंटेंस गेम हम इसको बोल सकते हैं। और फोन को थोड़ा और पुश करने के लिए और बैटरी ड्रेन करने के लिए मैंने इसको हाई ग्राफिक्स क्वालिटी पे खेला। एंड बाय द वे मैंने इस फोन का जो चार्जिंग टेस्ट है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। एंड ऑल्सो मैंने 15 वोल्ट और 25 वोल्ट की
चार्जिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो भी कंपेयर किया है। अगर आप अपने चार्जर पे एक्स्ट्रा स्पेंड ना करना चाहें एंड अदर ब्रांड जैसे मोटोरोला रेडमी उनका फास्ट चार्जर यूज करें तो आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पे हमें ये गेम खेलते हुए ऑलमोस्ट एक घंटा हो चुका है और फोन की बैटरी देखें तो 30% पे आ चुकी है। अगेन हमें 10% का डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड नाउ देखें तो ऑलमोस्ट शाम के 7 बज चुके थे और फिर से कोई काम के लिए बाहर जाने का टाइम। सो मैंने सोचा इसके लिए यूट्यूब बेटर टास्क होगा एंड हम वीडियो चलाने वाले हैं 1440p पे @60fps जो कि एक मैक्सिमम रेजोल्यूशन है जो ये फोन प्लेबैक कर सकता है। एंड बाय द वे इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो ए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इज नॉट गोइंग टू हर्ट एनीबॉडी इज इट। एंड ऑल्सो अगर आप ये फोन परचेज करने की सोच रहे हैं तो इसके बारे में कुछ और डिटेल्ड रिव्यू या फिर कैमरा रिव्यू वो भी आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड अब मैं बाहर गया हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना सारे काम निपटा के ही घर आऊँ, आफ्टर ऑल होली का टाइम है, तो इसीलिए मैंने यूट्यूब वीडियो 2 घंटे तक चला दी। एंड अब अगर हम 2 घंटे के बाद देखें तो बैटरी आ चुकी है 15%, मतलब हमें 15% का डिक्लाइन देखने को मिला। एंड नेक्स्ट टास्क की बात करें तो हम चलाने वाले हैं प्राइम वीडियो एंड अगेन वह तो वही डंजन्स एंड ड्रैगन्स चलाने वाला था हर बार की तरह, बट दिस टाइम आई प्लेड समथिंग डिफरेंट, द कॉन्टिनेंटल। इफ यू नो इट्स ए स्पिन ऑफ फ्रॉम जॉन विक सीरीज एंड अगर आप एक्शन मूवीज का शौक रखते हैं और आपने जॉन विक मूवीज नहीं देखी है देन सीरियसली आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, एक बार आपको देखनी चाहिए, आई हाईली रिकमेंड। तो यहाँ पे हमें कॉन्टिनेंटल देखते हुए 2 घंटे हो चुके हैं और बैटरी परसेंट देखें तो 3% पे आ चुका है। एंड नाउ 11 बजने को आ गए थे और हमें ये टेस्ट स्टार्ट किए हुए 13 घंटे हो चुके थे। मैं भी काफी थक चुका था और कुछ इस पे हैवी चलाने वाला था ताकि ये जल्दी से ड्रेन हो जाए, बट स्टिल आई चोज टू डू सम सर्फिंग लाइक अमेजन फ्लिपकार्ट क्रोम एटसेट्रा विच वी यूजली डू राइट। एंड ऐसा नहीं है मैं बीच बीच में इन एप्स में स्विच भी कर रहा था। एंड इन दी एंड ये जो लो परसेंटेज बैटरी थी यहाँ पे मुझे फोन थोड़ा सा लैगी भी फील हुआ, ये शायद इस वजह से भी हो सकता है कि कंटिन्यू 13 घंटों से फोन रन कर रहा था। एंड यहाँ पे ये मिक्स टास्क करते हुए ऑलमोस्ट 22 मिनट और 42 सेकंड हो चुके थे एंड अगर टोटल देखें तो 13 घंटे 22 मिनट और 42 सेकंड में हमारा फोन आ चुका था 0% पर, रात के 11:15 होने को आ गए। सो ओवरऑल देखें तो दिस फोन हैज प्रीटी मच सॉलिड बैटरी लाइफ। सो आई गेस दैट कंक्लूड्स आवर वीडियो अबाउट दिस फोन्स बैटरी ड्रेन। एंड अगर ये वीडियो और मेरा एफर्ट आपके लिए थोड़ा बहुत यूजफुल रहा है then you know what to do. I'll see you in the next one. Till then, bye bye, take care.